तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे सेलर को लॉस हुआ होगा सो द लॉस इज डिफाइंड सी पी माइनस एस पी ठीक एंड लॉस परसेंट क्या होगा लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो ये हो होगा लॉस परसेंट का फॉर्मूला तो हमें यहां से फाइंड आउट करनी है सीपी की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ लॉस परसेंट तो इस वैल्यू को जो लॉस की वैल्यू को है उसको हम सब्सिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा लॉस परसेंट इक्वल टू सीपी माइनस एस पी डिड बाई सी पी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ठीक है सेपरेट करेंगे इसको तो सी पी अपन सी पी इज वन माइनस एस पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ओके सो दिस गिव्स लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई हंड्रेड इक्वल टू वन माइनस एस पी अपॉन सी पी ठीक तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीपी की तो so, इस वन को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड में तो ये होगा एस पी अपॉन सी पी वल टू वन माइनस लॉस परसेंट अपॉन हंड्रेड सो अगे लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई हंड्रेड दोनों साइड लेते हैं सीपी इज इक्वल सीपी अपॉन एस पी इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट ओके एस पी से, so uh, okay. से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दिस विल गिव सी पी इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई एस बी सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सी पी एन द टर्म्स ऑफ लॉस परसेंट ठीक है तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जिसमें हम लॉस परसेंट की हेल्प से सी पी को कम्पलीट कर सकते हैं तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं सो so, क्वेश्चन है हमारा अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फोर रुपीजी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट अ लॉस ऑफ ट्वेंटी परसेंट देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड ब्रेसलेट ओके और यह जो क्वेश्चन है वो बैंक के एग्जाम में आ चुका है इन ईयर टू थाउजेंड एट में तो देखिए हमें क्या क्या गिवेन है से है रुपीजी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटल्टी परसेंट तो हमें यहाँ से सीपी की आउट करनी है तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली सो so, यहां से आ जाएगा सीपी इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट दैट इज ट्वेंटी इंटू एस पी दैट इज फोरटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज हंड्रेड डिड बाई हंड्रेड माइनस ट्वेंटी इंटू फोरटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो देखिए इसको डिवाइड करने के लिए ट्वेंटी से डिवाइड करते हैं ट्वेंटी तो हंड्रेड अब फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसको डिवाइड कर सकते हैं हम फोर से सो तो यह आ जाएगा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अब मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से सो दिस विल गिव रुपीज एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव

तो ये जो हमने फॉर्मूला कंप्लीट किया था इस फॉर्मूले को यूज करेंगे सो so, देखिए यहां से हम लिख सकते हैं 100 100 percent, 25 2 SP, इस एस पी को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड में तो हो जाएगा सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई ऐसे हम लेंगे तो ये होगा टू हंड्रेड माइनस डिवाइडेड बाई टू ठीक सो इसको लिख सकते हैं टू हंड्रेड Divided by 175. अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए करते हैं 25 से तो ट्वेंटी जा वन हंड्रेड so, CP रेशो एस पी के साथ कितना आ गया एट रेशियो सेवन और यही हमें कंप्यूट करना था सी पी और एस पी में रेशियो सो द रिक्वाइट एट रेशो सेवन करेक्ट ऑप्शन ठीक तो so, देखिए इस फॉर्मूले का एक और यूजफुल आ गया हमारे पास कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सीपी और एसपी में रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं था, हमने उस की से था, CP को. और सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं सीपी और एसपी में क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर